वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है केएस तोमर। एजुकेशन से जुड़ी वीडियोस के लिए स्टूडेंट अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वेलकम फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। कह सकते हैं इग्नू के लिए एक बहुत बड़ी ये बात है, बिकॉज इग्नू के क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं। ये न्यूज़ काफ़ी बार और काफ़ी टाइम से चल रही है कि इग्नू के काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। तो क्या ये बिल्कुल सही है या बिल्कुल सही न्यूज़ आप सभी को मिल रही है या सिर्फ एक र्यूमर है? तो चलिए आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि इसके बारे में अब तक क्या इग्नू की तरफ से सामने आ रहा है और क्या अदर ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में कुछ कर रही हैं। तो आपने बिल्कुल सही सुना है, इग्नू का एक पेपर लीक हुआ है जो कि व्हाट्सएप के थ्रू काफ़ी दिन पहले लीक हुआ था और इसमें अभी कुछ इन्फॉर्मेशन अभी इग्नू के सामने आई है और आप सभी के लिए काफ़ी सारी वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश भी हो गई है। बट काफ़ी स्टूडेंट ऐसा कह रहे थे कि काफ़ी सारे ऐसे पेपर हैं जो लीक हुए हैं, बट जो ऑफिशियली अभी जो पेपर लीक हुआ है वो है BCS 031। ये एक C++ का एग्ज़ाम है जो हाल ही में अभी लीक हुआ है और जो दिल्ली पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि ये एग्ज़ाम लीक होने के पीछे कारण है एक कोचिंग सेंटर। एक द्वारका का कोचिंग सेंटर है, उसका एक स्टूडेंट का ग्रुप है, कम से कम 20 स्टूडेंट का, उन्होंने ही ये पेपर लीक किया है। अब तक की शुरुआती जो भी जांच हुई है उसमें ये सब बातें सामने आई हैं, बट अभी तक कन्फर्म डिटेल ये अभी तक नहीं है कि पूरा इन्वेस्टिगेशन अभी हुआ नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो जब तक कम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये बता पाना मुश्किल है इसके पीछे रीज़न क्या था। शनिवार की रात इग्नू के रजिस्ट्रार हैं SM स्वामी, उन्होंने ये द्वारका का डाबरी थाना है वहाँ पर FIR दर्ज कराई कि इग्नू का एक कोर्स है BCS 031, उसका पेपर लीक हुआ है। तो शुरुआती जाँच में कुल 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनसे अभी जाँच के बाद उनसे पूछताछ चल रही है और इग्नू के उन सभी स्टूडेंट से पूछताछ भी की जाएगी जो इन सब एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। दिल्ली पुलिस DCP का भी कहना है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है और जो भी स्टूडेंट इस मैटर में इंक्लूड हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अभी तक इसमें कोई फाइनल कंक्लूजन निकल के नहीं आया है कि क्या मेन बात रही, कहाँ से पेपर लीक हुआ है। बट ये कन्फर्म है कि इग्नू के पेपर लीक हो रहे हैं और ये काफ़ी टाइम पहले पेपर एक बार और लीक हुए थे। तो ये प्रोसीजर काफ़ी बार ऐसा चलता आया है और ये काफ़ी बड़ी बात है इग्नू के लिए, चाहे वो इग्नू यूनिवर्सिटी हो चाहे कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाल ही में हम सब ने देखा था कि SSC जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पेपर तक लीक हो रहे हैं। सो ये काफ़ी चिंता का विषय है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इससे स्टूडेंट की स्टडी पर, उसके करियर पर काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। दिल्ली पुलिस ने जो FIR दर्ज की है उसमें एक फ़ोन नंबर भी इंक्लूड किया गया है और शायद ये वही व्हाट्सएप नंबर है जिसके थ्रू पेपर लीक हुआ था। तो अभी इसकी जांच जारी है और इसका पता अभी तक कंफर्म नहीं लगा है कि इसके पीछे वजह क्या थी और ये कहां से इसको लीक किया गया है। बट ये खबर पक्की है कि इग्नू का BCS 031 का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था। इसके जो भी लिंक्स हैं जिनके थ्रू ये न्यूज़ पब्लिश हो रही है वो सभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर भी आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या ये मैटर है और क्या क्या इसमें अब तक काम किया गया है। सो जो स्टूडेंट काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या इग्नू के पेपर लीक हुए हैं, क्या वो पेपर दोबारे होंगे, सो डेफिनेटली अगर कोई पेपर इग्नू की तरफ से लीक होता है या उसमें किसी भी तरह की कोई गलती पाई जाती है तो उस पेपर को रीशेड्यूल किया जाता है, यानी कि दोबारे किया जाता है। सो अभी तक फ़िलहाल इतनी ही इन्फॉर्मेशन इग्नू की तरफ से अवेलेबल है और जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इग्नू का अगर आता है किसी भी तरह के चेंजेस को लेके, देन मैं उसके लिए आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।